हेलो स्टूडेंट, स्वागत है थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल दे विच। अज आप इस वीडियो विच जमात पंजवीं वाले दा हिंदी विषय का पेपर देखांगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट ने बच्चों, चैनल ते चैनल सबसक्राइब कर लियो, क्योंकि अज इस वीडियो दे विच तुसी हर एक क्वेश्चन का जिहड़ा कि आंसर है इस वीडियो च देखांगे। मैं बाकी जिहड़े सबजैक्ट ने उन्हां दे भी पेपर पा चुकी हाँ, तो तुसी बस की करना है चैनल नूं सबसक्राइब करके रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुसी सितंबर पेपर ही इत्थों करने ने, मार्च के पेपर भी पए ने, बोर्ड की क्लास है, ठीक है। तो तुसी ध्यान नाल देखना है उन्होंने सारे पेपर, इन्हें नोट कर लो तो शेयर करो वीडियो नूं, ठीक है, अपने ग्रुपां दे विच, तां जो होर बच्चे भी जिहड़े इहदा फायदा चक सकन, ठीक है। आपां स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नूं नोट कर लियो, वीडियो नूं स्किप ना करो। आपां स्टार्ट करते हैं, नीचे दिए गए गायांश को पढ़कर प्रश्न के सही उत्तर देने हैं। कई साल बाद विद्यासागर बाजार में घूम रहे थे तो एक युवक ने उसके चरण छुए और प्रणाम करते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे आपने एक रुपया दिया था, उसमें मैंने फलों की रेहड़ी लगानी शुरू कर दी थी और आज मेरी इस बाजार में फलों की दुकान है और आप उसे अपने चरण धूल धूल में से पवित्र करें। बालक ने क्या काम करना शुरू किया था? तो बालक ने क्या काम शुरू किया सीगा, कई साल बाद विद्यासागर उन्हें क्या लिया फलों की रेहड़ी लगाई सी, तो कौन ऑप्शन सही था? तीन, फलों की रेहड़ी लगाना। विद्यासागर ने बालक को कितने रुपए दिए? तो विद्यासागर ने बालक को कितने रुपए दिए सीगे? एक रुपया। तो आप किस से निकल जाएंगे? एक, ठीक है। बालक विद्यासागर को कहाँ लेकर जाना चाहता था? तो बालक विद्यासागर को कितने लेकर जाना चाहता था? फलों की रेहड़ी लगाई, आप उसमें चरण भूमि अपने कितने लेके जाना था? बाग में, जिते उन्हें अपनी रेहड़ी लगाई सी। बाजार में मेरी फलों की दुकान है, वाकई किसने कहा? बाजार में मेरी दुकान है, किने कहा सीगा? विद्यासागर जी ने कह, बालक ने। तो बालक ने किया सी कि मेरे बाजार में फलों की दुकान है। नेक्स्ट है, आप मेरी दुकान को अपने डैश से पवित्र करें, तो कहते चरण भूमि, या देखो चरण धूल, चरण चरण की मिट्टी ना, ठीक है, चरण धूल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता थोड़ा, पिक्चर नूं ध्यान नाल देख लो। आओ हिंदी सीखे कठिन शब्दों के अर्थ, ठीक है। पिक्चर दे विच इक अध्यापक बच्चे नूं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उपरोक्त दवांश कहाँ का लग रहा है? शादी का, कक्षा का, जन्मदिन का, खेल समारोह का। तो कहदा लग रहा है थानू? यह कक्षा का, क्लास का लग रहा है। उपरोक्त चित्र में दिख रहा है व्यक्ति कौन लग रहा है? तो नेता, खिलाड़ी, डाकिया, अध्यापक। तो थानू मैं पहले ही कहा अध्यापक। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान बोले, विद्यार्थी कुर्सियों पर है, कुर्सियों पर डैश है, भाग रहे, नाच रहे, सो रहे, बैठे, तो कौन? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक कक्षा में कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? तो कौन? गणित, अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी। तो हिंदी लिखा हुआ था, आप कौन विषय पढ़ा रहे? हिंदी। कक्षा में क्या काम करवाया जा रहा है? प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान पूर्ति शब्द, अर्थ विलोम शब्द। तो देखो की करा रहे हैं वो इतने कठिन शब्दों के अर्थ, तो कहड़ा करा है? कठिन शब्दों के शब्दार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप बहुविकल्पी प्रश्न है क्या? निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पर गोला लगाए, चरण चरण चन्नर चरण, तो कहड़ा है? चरण। उपरों जो पेपर च आ भी गया है पेपर, तो मैं थोड़ा पहले दस दी चरण के स्पैलिंग अगर देखना है तो तुम इतों देख लियो, ठीक है। तो इतों देख के आप इतने टिक लगा देंगे, कहड़े हैगा? बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पंजाबी शब्द माफ का हिंदी में क्या अर्थ है? क्षमा, कक्षा, क्षमा या क्षमा, तो हैगा सी थर्ड ऑप्शन, क्षमा। पढ़ के देख लिया करो कि सही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पाठ में जिसका नाम नहीं बोला गया वह फेल है, ये वाक्य प्रिंसिपल ने, क्लर्क ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राष्ट्रपति ने। कहड़ा पाठ आत्मविश्वास में जिसका नाम नहीं बोला गया वह फेल है? तो यह वाक्य किसने कहा सीगा? प्रिंसिपल ने, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप यदि सफेद का काला है तो आदर का क्या होगा? निरादर। तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हम इन्हें क्या कहते हैं? सही पर गोला लगाए, सामान उठाने वाला, डाकिया, कूली, किसान, कुम्हार। तो सामान उठाने वाले नु आप क्या कहते हैं? कूली। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा अपना, अगर राजा का रानी है तो लड़का का, लड़की, लड़कड़ी, लड़की, लड़ाके या लड़कड़ी, तो कहना लड़की। तो यह फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, यदि बुराई बुराइयां है तो अच्छाई क्या? अच्छाइयां, अच्छाई, तो कहना इहदा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। हुण नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे कोई पांच अच्छी आदतें लिखें। तो पांच अच्छी, सुबह जल्दी उठना,
या अपने काम खुद करना, मेहनत करनी, ठीक है, समय हर काम समय पे करना, ठीक है। इतना तुसी अपने पांच चंगी चंगी गल्लां लिखनियां। प्रिंसीपल को अपनी गलती का एहसास कब हुआ, तो प्रिंसीपल को अपनी गलती का एहसास कद हुआ सीगा, तुसी ये दसना है। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, महाराजा को पत्थर किसने मारा, तो महाराजे नूं पत्थर किने मारिया सीगा, तुहानूं पता कनपट्टी पर लग्या था, उत्थे कुछ आए सीगे पिंड दे जिहड़े कि वो तुसी अपनी किताब च देख के लिखने ने, ठीक है। नैक्सट हैगा, हमें डैश बोलना चाहिए हंसकर, तो जिहड़ा सैकेंड ऑप्शन आएगा वो इसका राइट आंसर है, हंसकर बोलना चाहिए। हमारी बातचीत में डैश होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, हमें सदा डैश बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट हैगा, दी गई कविताओं में से किसी एक कविता की पंक्ति पूरी कर, ठीक समय पर डैश गाना गाओ या अथवा जब बोलो तब रुक कर बोलो, कभी ना बातें हंसकर बोलो। अगे हैगा, ये सारे थोड़े अगे दिए गए शब्दों को दो विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके भिन्नार्थक अर्थ स्पष्ट करे, अंक, ठीक है, अंक। चलो दोनों तुसी अलग अलग वाक बनाने ने, तो दिए गए पंजाबी शब्दों नू तुसी हिंदी दे देखना मौज ते सिंह, ठीक है। मैं थोड़ा दस दूँगी मौज का, मौज ते सिंह का ऐदा सिंह। नेक्स्ट हैगा, ये दिए गए संयुक्त अर्थ अर्थपूर्ण शब्द बनाए अथवा चित्र को ध्यान से देखते हुए वाक्य पूरे करें, तो इतने हैगा ये लिखना है वाक्य पूर्ण करने हैं। दिए गए समर्थक प्रयोग नए शब्द बनाए, दिए ये च मतलब इन्हों संयुक्तार्थो, इतने मतलब धन, इतने ध्यान, इधर च च दा लगाना है, ठीक है। शब्द यूज करके शब्द बनाने ने, चित्र को देख के गए शब्द की सहायता के वाक्य पूरे करने हैं। ऊंची आवाज में चीखकर बोलना डैश आदत है, ऊंची आवाज में चीखकर बोलना बुरी। अगर हमें आपस में मिलजुल कर डैश अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को नहीं बाते रोक कर, हमें बड़ों का डैश करना चाहिए आदर, ठीक है। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ा पेपर खत्म हुंदा इत्थों। यह हैगा तो पंजवीं क्लास वाले का हिंदी का पेपर। अगर चैनल ते नवे तो चैनल सबसक्राइब कर लो, वीडियो वधिया लगी कमेंट करके जरूर दस्यो, थैंक यू।